हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज को एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके सीधा अपने बेडरूम से। सो अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले उसके लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। या आई एम टॉकिंग अबाउट फटी जीन्स बाय वॉइड फीचरिंग सौरभ जोशी ब्लॉक। तो अगर आपको नहीं पता कि सौरभ जोशी कौन है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगर इन इंडिया, मीन्स ही गॉट ह्यूज नंबर्स भाई के, अराउंड 8 to 9 million सब्स है। और लोगों को भाई का वीडियो पसंद आता है, नॉर्मल कॉन्टेंट रहता है, नॉर्मल ब्लॉग रहता है, जैसे घर में क्या हो रहा है, रक्षाबंधन की वीडियो हो गई, भाई की साइकिल की हो गई, देन ड्रीम कॉलेज की वीडियो हो गई, मीन्स लोगों को वो पसंद है, दैट्स वाई ही गॉट सच अ ह्यूज नंबर। और उसके साथ आज बॉयड भाई अपना कोलैब कर रहे हैं। तो चलो, वी आर ऑलरेडी लेट, तो हम और ज्यादा लेट नहीं करेंगे, वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द बॉयड फैंस, टू ऑल द सौरभ जोशी फैंस, तुम्हें पता है ब्रो क्या करना है, टू ऑल माई पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट इट अ बैंक। साइड सीट पे जो बंदा है वो सौरभ जोशी, अगर आपको नहीं पता तो, अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो आपको पता होगा ब्रो कि सौरभ जोशी कौन है, बिकॉज ही इज क्वाइट फेमस ऑन यूट्यूब। तो साइड वाला है सौरभ जोशी, और पीछे जो येलो टी शर्ट में जो बच्चा है, जो भाई है, वो सौरभ जोशी का छोटा भाई है। ओके, फ्लो मेरा टाइट रैपर्स को थो दे, सामने ये गैंगस्टर है, रात को ये रो दे, रैप के हिटलर बनने चले साले नाजी, फक ही है देने तो सुन दो दे, बंदीज दैट वाज कूल, दैट वाज कूल की फक ही है देने तो दो दे, तो एक से मेरा क्या होगा ब्रो, अगर देनी है तो दो दे यार, कम ऑन, हिटलर बनने चले साले नाजी, फक ही है देने तो सुन दो दे, बंदीज घोस्ट राइडर्स लाइक अ घोस्ट राइडर, रैप तेरी सिगरेट है तो मेरे, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, इसके थोड़ा बाद दो दे, बर्न दिस घोस्ट राइडर्स लाइक, बर्न दिस घोस्ट राइडर्स लाइक अ घोस्ट राइडर। सो वी ऑल नो अबाउट घोस्ट राइडर, घोस्ट राइडर का रेफरेंस सबको पता है, वी ऑल आर 90s किड, तो हमने घोस्ट राइडर मूवी देखा ही है, वो जो बाइक में आग जलता हुआ बुड्ढा जाता था, मींस जो वो जाता था, बुड्ढा नहीं, जो वो जाता था घोस्ट राइडर, हम सबको पता है ब्रो। एंड टॉकिंग अबाउट घोस्ट राइडर, DHH के लैंग्वेज में बोलो या फिर कोई भी भाषा में बोल दो, घोस्ट राइटर इज समवन जो मतलब लिखता तो खुद है, लेकिन उसकी क्रेडिट जो होती है वो किसी और को मिलती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन देसी हिप हॉप इज लिल गोलू, मींस लिल गोलू लिखता तो है लेकिन किसके लिए लिखता है, हनी पाजी के लिए, क्रेडिट कौन लेके जाता है, हनी पाजी। सो दैट्स व्हाट घोस्ट राइटर मींस, सो बर्न दिस घोस्ट राइटर्स लाइक घोस्ट राइडर, दैट वाज कूल ब्रो, दैट वाज कूल हियर, चले साले नाजी, फक ही है देने तो सुन दो दे, बर्न दिस घोस्ट राइडर्स लाइक अ घोस्ट राइडर, रैप तेरी सिगरेट है तो मेरे हाथ में लाइटर, फ्लेक्स तू ना कर, तू नहीं फिल ही, दाग भरे तेरे बास पे क्यों नहीं फिर ही, अब तो मौत क्योंकि सीधे मॉर्टल कॉम्बैट, अगेन अगेन ही यहाँ पे भाई ने रेफरेंस ड्रॉप किया, शायद सीधे मौत का रेफरेंस ड्रॉप किया, बिकॉज मौत था, सीधे भी था, देखते हैं एक बार वापस पीछे जाके, अब तो मौत क्योंकि सीधे मॉर्टल कॉम्बैक्ट, ओके, सीधे मौत क्योंकि सीधे मॉर्टल कॉम्बैक्ट, तो शाउट आउट फॉर सीधे मौत, ये तो भाई सब पकड़ लेंगे, जो भाई सुनते हो हिप हॉप, सुनते हो देसी हिप हॉप, सुनते हो उनको पता होगा ब्रो, दिस इज अ शाउट आउट फॉर सीधे मौत, क्योंकि सीधे मॉर्टल कॉम्बैट, विकेट ही नहीं बचेगा तो करने वाला कौन बैट, नफरत वाले खत, फक, I don't even want that, अपने दम पे कर रहा यहाँ पे ब्रो, नो कॉन्टैक्ट, yes. शक नहीं मैं डॉल्फिन, हर रात में इवॉल्विंग, हर दिक्कत वे सॉल्विंग, अब लिखत और कॉल हिम, मैं इधर आकर लहर सा, तुझको डिसॉल्विंग, मैं पीटर पाकर शहर का, और तू है द मोस्ट टॉकेटिव थिंग। अभी जो सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में बात हो रही है, अगर आपने स्पाइडरमैन का ट्रेलर देखा है, सो द बैक ऑफ गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस सब वापस आ रहे, जो मल्टीवर्स वाले सीन हो गया है, तो वहां पे वो वाले चीज भाई यहाँ पे स्पाइडरमैन वाला रेफरेंस डाल ही दिया। अगर व्हाट वाज दैट, पीटर पार्कर और गॉब्लिन वाला रेफरेंस, अब मुझे एग्जैक्ट लिरिक्स याद नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी बैड विद लिरिक्स, तो इसलिए हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं और वापस सुनेंगे वो रेफरेंस फ्रॉम स्पाइडरमैन। तो भाई 90s के जितने बच्चे हैं, जितने लौंडे हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं, अब बच्चे नहीं रहे, तो उनको ये सारे रेफरेंस कैच कर पाएंगे, बिकॉज हमने लिटरली देखा है ब्रो, घोस्ट राइडर सबने देखा है, स्पाइडरमैन हम सबने देखा है ब्रो, पीटर पार्कर या तुझको डिसॉल्विंग, मैं पीटर पार्कर शहर का, और तू है गॉब्लिन, बाकी
अजीब, मतलब जब जब वर्ड का गाना ऐसे सुनते ना, बहुत एक खूबसूरत, बहुत एक पॉजिटिव और बहुत एक पहाड़ी वाइब आती है यार हर गाने से। पता नहीं क्यों, वो शायद ज्योग्राफिकल व्यूज के लिए या फिर कुछ भी हो, लेकिन एक पहाड़ी वाइब आती है और बहुत ही पॉजिटिव और स्वीट वाइब आती है। और इस ट्रैक से भी भाई कूद कूद के बाहर पॉजिटिव वाइब निकल रही है। सो मजा आ रहा है, लिटरली सुन के मजा आ रहा है। ओके भाई साहब, ही गॉट अराउंड 47 लाख व्यूज, मां कसम ये कैसे। ओके सौरभ जोशी ब्लॉग्स इज हेड, ओके 47 लाख व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन जो भी बोलो यार, वॉइड अपना जो बंदा है उसको, उसके टैलेंट को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। उसका जो कलम है ना, मतलब आग बरसता है, लिटरली आग बरसता है। घर के बाहर रोज भीड़, मोस्ट नीड लव फेम, मुझे चाहिए मोर हीट, नो वीड शोस में अपने कभी बचे नो सीट, 2 feet दूर रहना मुझसे चाहिए नो बीफ, गो रीड गाने तेरे मन में बोए वो स्वीट, रोज नीड टू लव द गर्ल लाइक टेड मोस्टी, इस मूवी में डूबेगा जैक और रोज भी, इस मूवी में डूबेगा जैक और रोज भी, दैट टाइटेनिक रेफरेंस सबने देखा है। सो ब्रो यहाँ पे बस तुम चेक करो हिज राइमिंग स्कीम्स, जैसे बंदा राइम कर रहा है, इंटरनल राइम कर रहा है, ऑल दो स्टफ्स, उसके बीच बीच में दो अभी तक शायद मेटाफोर्स भी यूज कर चुका है, मीन्स रेफरेंस भी यूज कर चुका है। तो बस राइटिंग देखो बंदे की यार, यहाँ पे बहुत लोग शायद बोलने वाले हैं व्यूज बहुत ज्यादा है, तो शायद दैट्स द इफेक्ट ऑफ सौरभ जोशी ब्लॉग्स, तो ये वो कहीं ना कहीं हो सकता है ब्रो। बट आप वर्ड का जो टैलेंट है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते मेरे भाई, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Most need love fame, मुझे चाहिए more heat, no weed, shows में अपने कभी बचे no seat, 2 feet दूर रहना मुझसे चाहिए no beef, go read गाने तेरे मन में boy वो seat, rose need to love that girl like Ted Mosby, इस movie में डूबेगा Jack और Rose भी, explode चेहरे पे just like a Samsung phone, yeah. Damson, you wanna copy me, you handsome clone, grab some bone, यहाँ पे या तो rap some more, ताकि तेरे गाने haters के भी कैप्शन हो, ताकि तेरे गाने haters के भी कैप्शन हो। तो जो तेरे haters है bro, ऐसा काम करना है कि जो तेरे हेटर्स है वो भी तेरा नाम ले, मींस तुझे डिस करे। हेटर्स की कब जलती है, जब सामने वाला अच्छा काम कर रहा होगा तो उनके नाम लेके उनको मेंशन करके डिस मारते हैं। सो दैट वाज अ गुड वर्ड यार, बोल यहाँ पे या तो रैप सम मोर, ताकि तेरे गाने हेटर्स के भी कैप्शन हो। हेटर्स की है मौत, साइकोपैथिक किलर, ब्रो को मैगी खिला, मोर शूज नाइक विला, होल स्कूल लाइक डीलर, मेरा होल स्कूल लाइक डीलर, ही गॉट सम हार्डकोर रेफरेंसेस और तगड़े तगड़े राइम्स हो रहे ब्रो, मजा आ रहा है। मौत साइकोपैथिक किलर, भाई को मैगी खिला, मोर शूज नाइक विला, होल स्कूल लाइक डीलर, मेरा जैसा कोई ना मिला, अब खरीदा पूरा विला, एक गन पर डाल विला, मैगी डिश थोड़ी लूज, थोड़ी जींस, पहाड़ों में करे क्रूज, भाई सीन, बाकी लोगों करे स्नूज, ऑन स्क्रीन, मैगी डिश थोड़ी लूज, थोड़ी जींस, पहाड़ों में करे क्रूज, भाई सीन, बाकी लोगों करे स्नूज, ऑन स्क्रीन, मैगी डिश थोड़ी boy Leo. So Leo means Exalt y'all has produced this amazing beat. So shout out to Exalt for producing such an amazing beat, bro. Okay, BTS bhi hai. खतरनाक वाला ब्रेक डांस मुझे भी आता है, ओके सो वी गॉट समथिंग इन कॉमन ब्रो, मेरे खतरनाक वाला ब्रेक डांस आता है, मार दिया पीछे तो ही मजेदार था ब्रो, गाना तो मजेदार था और लास्ट में जो वो बिहाइंड द सीन्स डाल दिए वो एक अलग फ्लेवर, एक अलग मजा दे गया। सो टॉकिंग अबाउट वर्ड, मतलब मैं बस सोचता हूँ कि बंदे की कलम में कुछ तो है, कुछ तो जोर है, बिकॉज ऐसा ही नहीं लग रहा है कि दिस इज समथिंग जो बहुत पहले लिखा हो या फिर पहले का लिखा हो, यहाँ पे गाना में इस्तेमाल किया होगा, इट्स रिटन समथिंग वेरी न्यू,
चाहे तुम ये एग्जांपल ले लो या फिर वो तुम्हारा वो वाले एग्जांपल ले लो, कुछ दिन पहले दलजीत दोसांझ पाजी का कोई ट्रैक आया था उसके ऊपर भी वॉइड ने उसका रिमिक्स निकाला था। तो करंट राइटिंग ब्रो, लिखता है, गाता है, वीडियो बनती है, आपके सामने आ जाती है। सो यू नीड टू शो सम रेस्पेक्ट फॉर वॉइड, वो प्यार दो भाई को, बिकॉज द थिंग दैट इज डूइंग हिज नाइदर, मतलब खुद कर रहा है ब्रो, ऑल इंडिपेंडेंट, खुद आपका तो खुद का प्रोड्यूसर है एग्जॉल्ट भाई, हर गाने पे आपको प्रोड्यूसर सेम दिखेगा, खुद के बंदे हैं, जो क्रू है उसके साथ खुद लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट जिसको हम बोलते हैं। सो जब बंदा कोई ऐसे काम कर रहा हो तो व्हाट वी नीड, फोकट का इंटरनेट है हमारे पास ब्रो, वी नीड टू सपोर्ट दिस गाइस, तो भाई को सपोर्ट दो। टॉकिंग अबाउट दिस ट्रैक, सुन के लिटरली काफी ज्यादा मजा आया, अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग ट्रैक। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।